क्या मुद्दे हैं? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में नाइंसाफी का है, जो इस देश के दलितों और आदिवासियों, पिछड़ों और अवंचित समाज के हकमारी हो रही है इस देश में, उसके खिलाफ ये आंदोलन है। और इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आरक्षण का जिस प्रकार से अपर कास्ट के लोग विरोध कर रहे हैं, आरक्षण विरोधी लोग विरोध कर रहे हैं, वो कतई असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, और उनके खिलाफ SC ST एक्ट में मुकदमे होने चाहिए, देशद्रोह के मुकदमे होने चाहिए, क्योंकि वो संविधान विरोधी बात कर रहे हैं। संविधान के अंदर आरक्षण का 16(4)A के अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं, उनको वो खत्म करने के लिए उतारू हैं। जो डिमोशन की प्रक्रिया प्रदेश के अंदर चलाई गई है, वो कतई गैर कानूनी है। सपा सरकार को, अखिलेश सरकार को जो चाहिए था वो नहीं किया गया है, और उसमें केवल डिमोशन की बात करने के लिए उन्होंने बात बढ़ाई है। उन्हें केवल ये करना था कि उन्हें कमेटी बैठा करके इनएडुकेट डाटा इकट्ठा करना था, और अपर्याप्त क्वांटिटी जो देखनी थी और जो बैकवर्डनेस देखनी थी, वो तो उन्होंने किया नहीं, और डिमोशन के काम पे वो लग गए। इससे पूरे देश के अंदर दलित लोग अपना अधिकार छोड़ने को कतई तैयार नहीं है। हम अपना हक किसी भी कीमत पे लेके रहेंगे, कोई भी बलिदान देना पड़े, कोई भी कुछ करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। आज ये सहारनपुर में जो आंदोलन हुआ है, इसके माध्यम से हम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को विनम्र ज्ञापन अपना भेज रहे हैं। 9 सूत्री ज्ञापन भेजा गया है कि इस प्रक्रिया को तत्काल बंद किया जाए और 117वां संविधान लागू संशोधन पास कराया जाए, लोकसभा में लंबित जो बिल पड़ा हुआ है उसको पास कराए सरकार, और इस देश के अंदर एक समान शिक्षा कानून लागू हो, हाईकोर्ट इलाहाबाद का जो आदेश है उसको तत्काल लागू किया जाए, और एक हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में SC ST और बैकवर्ड समाज के जजों की नियुक्ति की जाए। जो आयोग बनाया गया वो नाकाफी है, IAS IPS की भांति जजों की नियुक्ति की जाए, जिससे वहाँ जो गुंडागर्दी हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चल रही है वो खत्म हो सके। अभी आपने ये भी बोला था कि हम अपनी जाति धर्म को बदल देंगे, मुसलमान बन जाए, कुछ बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा ये धर्म है ही नहीं है, इसको हमारे समाज को गुमराह किया गया है। हमारा कमंडल अवार्ड हमें इसी आधार पर मिला है, हमारे बाबा साहब ने 1932 में जो कमंडल अवार्ड ला करके दिया था इस देश के अंदर, वो केवल इसी आधार पर ला करके दिया था कि शेड्यूल कास्ट के लोग, कि अछूत जातियों के लोग, अस्पर्श लोग हिंदू नहीं है, और जो अल्पसंख्यक है, जो अहिंदू है, केवल उन्हीं को कमंडल अवार्ड दिया गया था, चाहे वो सिखों को दिया गया हो, चाहे मुसलमानों को दिया गया हो, चाहे अस्पर्शों को दिया गया हो, अछूतों को दिया गया हो। हम हिंदू नहीं है, नहीं है, नहीं है, और हम हिंदू नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। हम घोषणा कर चुके हैं, और हम अपने लोगों को समझाने का काम करेंगे कि